धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण लगना अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान सूर्य पीड़ित होता है और धरती पर नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है, इसीलिए ग्रहण काल में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ग्रहण का बुरा असर न पड़े इसके लिए ग्रहण काल के दौरान जप तप किए जाते हैं। आज साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण है, लेकिन बता दें कि इसका असर भारत के कुछ हिस्सों में रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इसकी समाप्ति के बाद भी कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर आप भी ग्रहण काल के बाद ये उपाय कर लेंगे तो ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि किन उपायों को ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद पूरे घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है। इसीलिए सफाई के बाद पूरे घर में धूप या अगरबत्ती का धुआं अवश्य दिखाएं। ग्रहण के तुरंत बाद स्नान कर लेना चाहिए। घर के मंदिर को भी गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके लिए देवी देवताओं और भगवान की सभी मूर्तियों और तस्वीरों पर गंगा जल छिड़कना चाहिए। मान्यता ये भी है कि ग्रहण के समय पहने गए वस्त्रों को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। बेहतर होगा कि आप स्नान के बाद इनको दान कर दें। सूर्य ग्रहण के बाद पितरों को याद करें व उनके नाम पर दान दें। ऐसा करने से ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य ग्रहण के बाद गरीबों अथवा जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ग्रहण की समाप्ति के बाद उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। ग्रहण के बाद भगवान शिव की आराधना करना भी काफी अच्छा माना जाता है, और हो सके तो निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु दान करें। ग्रहण के बाद गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुण प्राप्त होता है। मान्यता है कि सामान्य दिन से ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 1,00,000 गुना फलदायी होता है। मान्यता अनुसार गर्भवती स्त्रियों को भी ग्रहण के बाद तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने से शिशु को त्वचा संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। सूर्य ग्रहण से पूर्व या समाप्त होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय उसे देखने से बचना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय संभोग करने, मंजन करने, तेल लगाने और ताला खोलने जैसे कार्यों से बचना चाहिए, अन्यथा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और कई तरह के कष्टों को भुगतना पड़ता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।